हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मंथली असाइनमेंट सितंबर के इसका हम लोग आज सोशल साइंस का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है एक परिच्छेद करके दिया हुआ है। ठीक है, तो झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियाँ बहकर चली जाती है। जब खेत जुताई के बाद सूख जाता है उस समय तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पेड़ों की कटाई और कृषि क्षेत्र भूमि के दोहन में वृद्धि हुई है। इन सब के कारण झारखंड में मृदा अपरदन में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ ये परिच्छेद दिया हुआ है, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर वन में क्वेश्चन है कि झारखंड में मृदा अपरदन के मुख्य कारण कौन कौन से। तो पहला है तेज वर्षा का होना, दूसरा है तेज हवाओं का चलना, तीसरा है पेड़ों की अधिक कटाई और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में है कि स्थायी बंदोबस्ती और महलवाड़ी व्यवस्था में आप क्या प्रमुख अंतर पाते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर ए नंबर में दिया हुआ है कि स्थायी बंदोबस्ती के तहत जमींदार वर्ग का उत्थान हुआ और महलवाड़ी व्यवस्था का आधार ग्राम समुदाय को माना गया। बी नंबर में है कि स्थायी बंदोबस्ती में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। सी नंबर में है कि स्थायी बंदोबस्ती का क्षेत्र बंगाल बिहार और उड़ीसा का था जबकि महलवाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत और पंजाब था। और डी नंबर का आंसर है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पर जो ऊपर सारे दिए हुए सारे बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप लोगों ने साइंस और इंग्लिश मैथ के सोल्यूशन जो सितंबर के मंथली असाइनमेंट के अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। थ्री नंबर के क्वेश्चन है हमारे कि आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, अगर आप उस सामाजिक वर्ग का नेतृत्व करने वाले सदस्य में से हैं तो आप अपने मुद्दे को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको चार तरीके बताए गए हैं। पहला है कि संविधान सम्मत तरीके को, सेकंड है कि अपने सामाजिक वर्ग द्वारा बनाए गए तरीके को, थर्ड है विदेशी सरकारों द्वारा बताए गए तरीके को और फोर्थ नंबर है अपने धार्मिक समुदाय के बनाए गए तरीकों को। तो यहाँ देखिए चार ऑप्शन में से आपका जो ए नंबर का है वही सही हो जाएगा। ठीक है, कि संविधान सम्मत तरीके से, क्योंकि हमारे भारत में जो है संविधान सर्वोपरि है इसलिए हमें कोई भी स्टेप लेने से पहले संविधान को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए हम लोग संविधान सम्मत तरीके को ही अपनाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार पाँच छः में आपके यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, ये थोड़े लॉन्ग आंसर होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके सोल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग चार नंबर के क्वेश्चन के सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा के किन्हीं चार गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण सहित उल्लेख करें। ठीक है, इसमें पहले तो चार गैर परंपरागत स्रोत बताने हैं हमें ऊर्जा के, और उसके बाद उसको थोड़ा सा डिफाइन भी करना है ना, उसका थोड़ा सा मतलब कि उल्लेख करना है, डिस्क्राइब करना है। तो चलिए पहला है हमारा सौर ऊर्जा। ये क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है और इसके बारे में हमने क्या लिखा है। तो देखिए सूर्य के ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। पर्याप्त मात्रा में सूर्य किरणें उपलब्ध होने से सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। वर्तमान समय में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 2% सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा का एक अक्षय अथवा अनवीकरणीय स्रोत है। जिन क्षेत्रों में पवन प्रबल एवं लगातार चलती रहती है पवन चक्की लगाकर ऊर्जा उत्पादित की जाती है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड है हमारा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अणु के नाभिक में निहित होती है। फोर्थ नंबर है हमारा भूतापीय ऊर्जा। तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो यह हमारा चार ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हो गए और इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लिया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर का देखते हैं हम लोग। प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में से किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, तो उसमें जो मूल्य बताए गए हैं तो वहाँ से हमें किन्हीं दो मूल्यों के बारे में उसको स्पष्ट करना है। ठीक है, मतलब उसको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या लिखा हमने,
कि धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पंथ निरपेक्ष, ये तो एक एक मूल्य हो गया। अब हम लोग ये जो दूसरा मूल्य है ना वो देखते हैं। दूसरा मूल्य कौन सा है? तो ये है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्र का तात्पर्य है कि राज्य शक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जाएगा। हमारे देश में जनता सर्वोच्च है और बहुमत के निर्णय द्वारा शासन संचालित होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दो मूल्य को डिस्क्राइब कर लिया। अब चलिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए बताइए। ठीक है, यहाँ पे उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में बताना, क्या परिवर्तन आए थे आदिवासियों के। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सामाजिक स्थिति को देखते हैं कि आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन और आदिम स्वरूप में स्पष्ट रूपांतरण हुआ। इनके क्षेत्र सीमित हुए। झारखंड के आदिवासी जाति के आधार पर अपना कोई पूर्ण विकसित राज्य अथवा स्वशासित क्षेत्र नहीं बना सके। ठीक है, तो ये उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन था। अब आर्थिक स्थिति हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए आर्थिक स्थिति में हो जाएगा, आदिवासी अपनी जमीन से वंचित होकर औद्योगिक एवं कृषि मजदूरों के रूप में असम की चाय बागानों तथा दक्षिण बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कृषि प्रधान क्षेत्रों में शरण लेने लगे। ठीक है, तो ये उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे आपके SST से। और अगर आपने ये जो मंथली असाइनमेंट है, अगर इसके आपने मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के सॉल्यूशंस को नहीं देखा है तो इससे पहले मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अपने असाइनमेंट आप लोग बहुत अच्छे से बनाइए। ठीक है, और अपने जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, आप उनको भी चैनल पे आने के लिए रेकमेंड कीजिए। ठीक है, थैंक यू।